तो गाइस ये है लहसुन, इसके फायदे बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी लगा हुआ, अभी नया नया कोड़े अभी। इसका फायदा पता, खाली पेट खाने से पाचन क्रिया बहुत ही मजबूत। ब्लॉग होने वाला है हम लोग का घर का होम टूर। तो पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था खेत और बाड़ी के बारे में, तो आज टूर होगा हम लोग का होम। कंटिन्यू करते हैं, चलिए होम टूर दिखाते हैं आप लोगों का घर, मेरा घर कैसा है, चलिए दिखाते हैं। हमारा सीढ़ी यहाँ से जाता है ऊपर छत के ऊपर, छत है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा छत है। चलिए पहले छत दिखाते हैं आप लोग, फल दिखाते हैं। तो आइए तोड़ने आए हैं हम लोग, आम तोड़ेंगे अपना ही आवे और खाएंगे। हाँ आम को तोड़ते हैं है ना। हाँ तीन हम लोग एक ही आम को खाएंगे मिल के। चलिए सो गाइस मैंने आम तोड़ लिया, चलिए इसको खाते हैं कितना टेस्टी लगता है। चलिए तो मिल खाते हैं हम लोग। सुबह चने हमारे अपना चना है, चना खा रही है दीदी, देख सकते पप्पू भाई भी है। हम लोग कितना मेहनत से तोड़ के लाए हैं अभी। अभी इधर आ रहे हैं छोटे सिस्टर जो कि इंस्टाग्राम का क्वीन है। हाँ उनका भक्त जाके फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम आईडी में। हाँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, देख सकते हैं हमारे आरएस रवि। तो सब बोलेंगे आरएस रवि रामगढ़ का। चलिए चलिए ब्लॉग पर भी करते हैं, नहाने जा रहे हैं हम लोग। चलिए यस छोटे चाचा जी, कितना सीढ़ी मुड़ा हुआ है। हाँ चलिए स्टार्ट। मैं आप लोगों को अपना कला दिखाने जा रहा हूँ अभी जी, तो देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी लगा हुआ, अभी नया नया कोड़े अभी। इसका फायदा पता, खाली पेट खाने से पाचन क्रिया बहुत ही मजबूत होता है, सर्दी खांसी भी भाग जाता है इससे। हाँ और भी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन अभी हमको नहीं पता है। सो गाइस बेटा सभी सब नहीं तो बेटा। हाँ सो गाइस अभी इधर जा रहे हैं भैया। सो गाइस चलिए अब चलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये गंधारी साग, लाल गंधारी, लाल गंधारी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यस गाइस तो चलिए रवि भैया की इंटरव्यू करते हैं किसान का मालिक से। देखिए अभी लहसुन उखाड़ रहे हैं अभी। तो बताइए गुरु जी लहसुन कैसे रोपा जाता है। आप लोग को ये हमारे आर एस रवि रामगढ़ जो कि बहुत अच्छा स्टेटस क्रिएट करते हैं, इनका चैनल लिंक पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके फॉलो कीजिए लिंक को, और काफ़ी अच्छा अच्छा स्टेटस बनाते हैं ये, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट अच्छा स्टेटस बनाते हैं
बारे में बस आलू उधर देखिए बोले सर। और एक आदमी से मिलाते हैं आपको, स्टेटस मेकर ये भी। सो गाइस ये है हमारा अलेक्स नेमो जो कि यूट्यूब में भी इसका चैनल है, ये भी ब्लॉग डालते हैं। अच्छा अच्छा अभी तो फिलहाल स्टेटस क्रिएट करते हैं बस। पहुंच चुका हूँ, देखते हैं मेरी दीदी खा रही है चना अभी, और मेरी माँ देख सकते हैं वहाँ गोबर से लिपी है, लिप रही है। और गाइस इधर निपा हुआ हो गया है और इधर निप रही है। बोल करे लागल। सो इधर हम लोग का बर्तन ये सब रखा हुआ है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ भात तीन है, भात और सब्जी क्या क्या बना है। सो गाइस देख सकते हैं मेरा भात है और ये सब्जी है आलू बैंगन का, और किधर है, और गाइस इधर देख सकते हैं कुकर में है दाल। सो गाइस अभी मैं दाल को छनकाऊंगा, इसलिए अभी कलछुल को गर्म होने के लिए दिया हूँ। सो आग को देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना लाल दिख रहा है अभी। सो अभी मैं तेल देंगे अभी यहाँ कलछुल में डाल, बाद गर्म होने के लिए। सो अभी मैं डाल रहा हूँ इसलिए थोड़ा देर में। सो गाइस अभी मिर्ची से छनकाऊंगा अभी दाल को। सो अब मेरा मिर्ची को काट लिए, अब वहाँ डालेंगे कलछुल में। सो गाइस अभी मिर्ची को डाल दिए हैं। सो गाइस अभी मेरा गर्म हो चुका है, अब डालेंगे यहाँ कुकर में दाल को छनकाएंगे। सो गाइस अभी डालेंगे, सो गाइस अभी छनकाएंगे। सब्जी बांटना फ्रेंड्स, सो अब बांट चुके हैं, अब इसको खाना सो देख सकते हैं। आलू और टमाटर की सब्जी है, आलू बैंगन की। सो अभी फ्रेंड्स खाने के बाद मिलते हैं।